करवा चौथ का दिन था। मैं गाय को पूरी खिलाने गई थी बाहर, तो लौटते समय जब मैं आई तो वृक्ष के नीचे वो तीन लोग खड़े थे, मुकेश, अंकित और शिव कुमार। मुकेश के हाथ में तमंचा था और मुझे अंगोछा से मुंह बंद कर लिया और पकड़ के खींच के फाटक के अंदर ले गए और मेरे साथ उन्होंने बलात्कार किया। उसके बाद उन्होंने छोड़ा, तब मैं अपने घर गई, वो सास को बताया सारा हाल। फिर मैं रात की वजह से थाने नहीं गई, मेरे साथ कोई जाने वाला नहीं था इसलिए। और उसके बाद जब सुबह का टाइम हुआ तो मैं अकेली पैदल थाने गई 3 बजे। 5 बजे थाने में पहुंच गई तो वहाँ मतलब ऐसे साहब नहीं थे उस टाइम। बाद में जब ऐसे साहब आए तब रिपोर्ट लिखाई उन्होंने। उसके बाद 6 बजे एटा ये लोग ले गए। सारा दिन व्यतीत हो गया, हाँ बैठी रही मैं। क्या तवंचे के बल पर आपसे दुष्कर्म किया इन लोगों ने? हाँ, और तमंचा भी था उनके हाथ में। क्या चाहते हैं आप, क्या क्या कार्रवाई चाहते हैं? अब इनको ऐसा दंड दिया जाए जो कि ये आगे को फिर कोई ऐसा कदम न हमारे साथ में उठा सके। सर, एक करवा चौथ वाले दिन एक महिला के साथ में रेप हो गया, गैंग रेप हो गया, क्या है पूरा मामला? ये राजा रामपुर थाने का प्रकरण है। करवा चौथ वाले दिन एक महिला द्वारा आरोप लगाया गया है कि उसके पास करीब 10-15 कदम दूर पे एक घेर है, वहाँ के रहने वाले लोगों ने तीन लोगों को जब गाय को चारा देने गई थी तो खींच लिया और विवाद रेप किया था। इसमें अभी पंजीकृत कर लिया गया है, ये पुराना इन लोगों के बीच में विवाद है। इस संदर्भ में विवेचना की जा रही है और सारे तथ्य इकट्ठा की जा रही है, निष्पक्ष विवेचना की जाएगी और जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या सर, करवा चौथ वाले दिन का मामला है? करवा चौथ वाले दिन का प्रकरण है। तो अभी कोई गिरफ्तारी हुई है इनके आरोपियों की? अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, इसमें कोई अभी ऐसे तथ्य नहीं मिले हैं जिसपे आरोप की पुष्टि हो। इसमें सारे साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं, जो भी तथ्य आएंगे, जो भी विवेचना जिस संदर्भ में जाएगी होगी, स्पष्ट होगी, जिसके संदर्भ में जिसके विरुद्ध जाएगी उसकी गिरफ्तारी। मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया जी? इसी दिन पंजीकृत।